2022 में उत्तर प्रदेश में योगी की जीत के साथ टीम मोदी ने 2024 की चुनावी फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है। मोदी योगी शाह की तिकड़ी का चुनावी ग्लैम प्लान अखिलेश यादव से लेकर बंगाल में बैठी ममता दीदी तक का चैन छीन रहा है। मैं हिंदुस्तान की बेटी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत की तस्वीर के बाद ये अच्छे से समझ रही हूं कि मोदी मैजिक के बाद बीजेपी को मिला योगी टॉनिक, कैसे अब विपक्ष की नींद उड़ा रहा है। रिपोर्ट देखिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यूपी में चुनावी नतीजों के बाद से योगी योगी की धूम है, तो उधर गुजरात में मोदी मैजिक का जलवा शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है, हर बार यूपी के लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। यूपी में योगी की प्रचंड जीत से पस्त पड़े विपक्ष को खड़ा होने का कोई मौका नहीं देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री, इसलिए गुजरात पर उन्होंने सीधा फोकस कर दिया है। जहां इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है, जहां मोदी शाह के केंद्रीय राजनीति में आने और आनंदीबेन पटेल के सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के कारण गुजरात बीजेपी के पास स्थानीय मजबूत चेहरे की कमी है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को गुजरात में कड़ी टक्कर दी थी और बीजेपी को 99 सीटों पर समेट दिया था। मोदी इस बार उसकी भरपाई के मूड में अब भी से आ गए हैं। मैं स्वयं बहुत दुख अनुभव करता था जब ये ज्ञानी लोग यूपी की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के तराजू से तोलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखते थे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की जीत का डंका विपक्ष की नींद उड़ा दे, 2024 में जीत की बुनियाद बना दे, इसका एहसास विपक्षी पार्टियों को करा कर उनका मनोबल तोड़ने के प्लान में वो अभी से जुट गए हैं। इधर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का दुगुना दम दिखाने के अभियान में योगी भी जुट चुके हैं। पिछली सरकार की आखिरी कैबिनेट मीटिंग को जीत के अगले ही दिन निपटाकर योगी ने संदेश दे दिया है कि यूपी से भगवा सरकार की आंधी इस बार भी उठेगी तो 2024 से पहले ही देश के दूसरे राज्यों में विपक्षी सरकारों के तंबू उखड़ने लगेंगे।